अलमित्रा पटेल एक योद्धा की तरह कचरे के सही प्रबंधन के लिए एक लंबे अरसे से संघर्ष कर रही हैं। देश की करीब 200 म्युनिसिपैलिटियों के साथ साथ कचरे के सही प्रबंधन के तरीकों का अध्ययन करने के लिए दुनिया के 20 देशों की यात्रा कर चुकी हैं। ये उनकी ही कोशिशों का नतीजा था कि सन 1996 में उनकी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई PIL के जरिए देश को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2000 के नियम मिले। अलमित्रा जी अब भी एक स्वच्छ भारत का सपना साकार करने में दिन रात लगी हुई हैं। जीवन के 80वें वसंत की कगार पर खड़ी इस सफाई योद्धा को हमारा सलाम। अलमित्रा जी, इस क्षेत्र में हम जितना भी आगे बढ़े हैं उसका एक बहुत बड़ा श्रेय आपको जाता है। आपका इस देश को क्या संदेश है? व्हाट इज योर मैसेज टू द नेशन? व्हेन वी मेड अ पॉलिसी फॉर इंडिया, जब हमने भारत के लिए नीति बनाई तो अपने वैदिक मूल्यों को ध्यान में रखा, जहाँ रसोई घर में बची खाने की किसी भी चीज को कचरा नहीं समझा जाता था, उससे खाद बनाई जाती थी जो वापस खेतों में जाकर जमीन को उपजाऊ बनाती थी। अगर हमें राम राज्य वापस लाना है तो सिर्फ इतना करना है कि रसोई घर से निकलने वाली चीजों में प्लास्टिक या दूसरा कचरा नहीं मिलाना है। अगर हम गीला कचरा खाद के रूप में किसानों को वापस लौटाएंगे तो हमें सेहतमंद और किफायती खाना मिलेगा। इसी में सबका भला है। बहुत खूब। दोस्तों, बहुत सारी म्युनिसिपैलिटीज ये बहाना देती हैं कि लोग कचरा अलग अलग नहीं रखते, इसलिए हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। और लोगों का कहना यह है कि हम अलग अलग रखें भी तो क्या फायदा, म्युनिसिपैलिटीज हमारे कचरे को मिलाकर ले जाती हैं। मेरा ये कहना है कि म्युनिसिपैलिटीज अपना काम करें या ना करें, हमें अपना काम करना है, तभी हम हक से म्युनिसिपैलिटीज पे दबाव बना पाएंगे, उनसे ये मांग कर पाएंगे कि वो अपना काम ठीक से करें। आज हमने आपको जितने भी सुझाव दिखाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी म्युनिसिपैलिटीज उनको अपनाएं, तो चाहे वो बायोगैस का सुझाव हो, कंपोस्टिंग का सुझाव हो, या वेल्लोर श्रीनिवास जी का तरीका, इन सब में शुरुआत हमसे होती है, हर एक हिंदुस्तानी से होती है। जैसा अलमित्रा जी ने बताया कि अगर गीले और सूखे कचरे को शुरू से ही अलग अलग रखें, उसको मिक्स ना करें, मिलाएं ना, तभी ये सारी चीज़ें मुमकिन है। ये 2 फुट का फासला हमारे देश को बदल सकता है। तो आज का हमारा सवाल है, क्या आप आज से ये कसम खाते हैं कि आप गीले और सूखे कचरे को अलग अलग जमा करेंगे और अपने देश की खूबसूरती में, उसकी शान और शौकत में, उसके गौरव में 4 चांद लगा देंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो बदलाव के लिए वोट कीजिए और हमारे वोट फॉर चेंज कैंपेन का हिस्सा बनिए। अपने मोबाइल फोन पर वाई टाइप करके इस नंबर पर SMS भेजिए, 5782703। इस SMS को भेजने का खर्च 5 रुपए है। आप चाहें तो हमारे इस सवाल को समर्थन मिस्ड कॉल के जरिए भी दे सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री यानी मुफ्त नंबर है 1800-103-2303। आपके SMS के जरिए जितना भी पैसा इकट्ठा होगा, गवर्नमेंट टैक्सेस काटने के बाद वो सारा का सारा पैसा इस संस्था को दिया जाएगा, स्त्री मुक्ति संगठना। एक और संस्था जिसको हमने इस बार सहयोग के लिए चुना है वो है कष्टकरी पंचायत, जिसके साथ स्वच्छ के लोग जुड़े हुए हैं। कष्टकरी पंचायत और स्त्री मुक्ति संगठना, ये दोनों संस्थाएं कूड़ा चुनने वाली महिलाओं और उनके परिवारों के लिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं। अगर आप इन संस्थाओं को सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नाम से चेक बनाकर अपनी नज़दीकी एक्सिस बैंक शाखा पर जमा करवा सकते हैं। आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको एक्सिस बैंक की किसी भी शाखा पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप एयरटेल मनी के जरिए भी अपना सहयोग इन दोनों संस्थाओं को दे सकते हैं। इस बारे में जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। रिलायंस फाउंडेशन भी इस विषय के लिए 1 करोड़ रुपयों का योगदान करेगी, जो इन दोनों संस्थाओं में आधा आधा बांट दिया जाएगा। रिलायंस फाउंडेशन सत्यमेव जयते की फिलैंथ्रोपी पार्टनर यानी जन कल्याण सहयोगी है। हमारी वेबसाइट www.satyamevjayate.in पर आइए और आज के इस मुद्दे पर और अधिक जानकारी पाइए। इस विषय को अपना समर्थन दीजिए, अपने सोच विचार हमें बताइए। आपकी बातें सुनने का मुझे इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, ये एक जंग है, एक लड़ाई है हमारे और गंदगी के बीच में। यहाँ पर मैं अपने देश के बच्चों से कहना चाहूँगा कि वो इस लड़ाई में सोल्जर्स का काम कर सकते हैं, सिपाही का काम कर सकते हैं। आप अपने मम्मी पापा को कहो कि आज से हमारे घर में कचरा अलग अलग रखा जाएगा।
अगर मम्मी डैडी लेजी हैं, आलसी हैं, बेपरवाह हैं, तो आप उनके पीछे लग जाओ, छोड़ो मत उनको, उनका जीना मुश्किल कर दो। मम्मी डैडी जब पूछें कि होमवर्क किया, तो आप उनको पूछो कि क्या कचरा अलग अलग रखा। इस जंग में आप मेरे सिपाही हैं और मैं आपका कमांडर, और हमारा हथियार है कचरे के अलग अलग डिब्बे। मिलके हमें ये जंग जीतनी है। इस उम्मीद के साथ कि जल्दी हिंदुस्तान दुनिया भर में अपनी साफ सफाई के लिए भी जाना जाएगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते। आम के आम, गुठलियों के काम, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान। आम के आम, गुठलियों के काम, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। अरगोल अपनी धरती है, अरगोल इसकी बातें, एक हाथ से ले तो दूजे हाथ से लौटा दे। खजाने वसुंधरा के हो तभी अपने पास होंगे, धरती के लाल जब धरती के साथ होंगे। आम के आम होंगे, गुठलियों के काम होंगे, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। आम के आम होंगे, गुठलियों के काम होंगे, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। ये मच्छर और ये मक्खियाँ लौटेंगे बनके तितलियाँ, और झीलों के किनारों पे नाचेंगी मस्त मछलियाँ। रुमाल फेंकना लंबी सांसें लेते जाएंगे, बच्चों के गाल भी टमाटरों से लाल होंगे। आम के आम होंगे, गुठलियों के दाम होंगे, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। आम के आम होंगे, गुठलियों के दाम होंगे, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। डुमक डुमक डुम्मा रे, डुमक डुमक डुम्मा, डुमक डुमक डुम्मा रे, डुमक डुमक डुम्मा। खतरों की ये घंटियां बज रही है जोरों से, घेर लेना हमको धुआं ये चारों ओर से। सुन के इन घंटियों को जो होशियार होंगे, अक्ल की किताब में उनके ही नाम होंगे। आम के आम होंगे, गुठलियों के दाम होंगे, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। आम के आम होंगे, गुठलियों के दाम होंगे, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। डुमक डुमक डुम्मा रे, डुमक डुमक डुम्मा, डुमक डुमक डुम्मा रे, डुमक डुमक डुम्मा।